ग्वालियर मध्य प्रदेश में नई सरकार कौन बनाएगा ये दो दिन बाद 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ रही है, मोदी जी जन जन के मन में है, उनका स्नेह सदैव एमपी को मिलता रहा है। डबल इंजन की सरकार ने एमपी में प्रगति और विकास किया है। गृहमंत्री अमित शाह की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम, जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। केंद्र की पीएम आवास, पीएम सम्मान निधि जैसे योजनाएं, प्रदेश सरकार की लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना ने महिला सशक्तिकरण से बहनों के मन में भाजपा का अलग स्थान बनाया। इस सभी योजनाओं को सही तरीके से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भाजपा फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। क्या शिवराज सिंह चौहान सीएम बनेंगे? इस सवाल को टालते हुए शिवराज एन भाजपा जिंदाबाद का नारा लगाया और आगे बढ़ गए। भाजपा के इस बयान के बाद कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है, कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठनों के प्रमुख और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में है, उनका स्नेह सदैव मध्य प्रदेश को मिलता रहा है और डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास भी किया है। फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना हो जिसने बहनों की ज़िंदगी बदल दी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफ़र है जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया। और चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएँ, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है, कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये पर्यंत कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय वहां रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है।